नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी जीत के बाद इंडिया लेजेंड्स की टीम को पॉइंट्स टेबल के साथ साथ हुआ सेमीफाइनल में जाने का भी बड़ा फायदा। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में, और साथ ही इस वीडियो में हम आपको पूरे पॉइंट्स टेबल के बारे में भी बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले, अगर आप युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फिलहाल काफी रोमांचक मोड पर आ पहुंचा है, और कल भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को बुरी तरह से हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप में अपनी जगह बना ली है। कल भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 15 ओवर के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना डाले, और वहीं जवाब में 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही, और भारतीय टीम ने 15 ओवर के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को 40 रनों से हरा दिया। और इस जीत के साथ इंडिया लीजेंड्स की टीम सेमीफाइनल के दरवाजे पर आ पहुंची है, क्योंकि कल इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद इंडिया लीजेंड्स की टीम को पॉइंट्स टेबल में काफी बड़ा फायदा हुआ है, जो अपने 4 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीत चुकी है और 2 मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हुए, और पॉइंट्स टेबल में कुल 6 अंक है, और भारतीय टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर बनी हुई है, और साथ ही भारतीय टीम की काफी अच्छी रन रेट भी है, और उसके बाद वेस्टइंडीज और श्रीलंका की टीम नंबर 2 और नंबर 3 पर बनी हुई है, और इन दोनों टीमों का सेमीफाइनल में पहुंचना भी लगभग तय माना जा रहा है। तो अब देखना होगा चौथी टीम रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल में कौन सी रहने वाली है। हालांकि भारतीय टीम का अभी एक मुकाबला बचा है, जो बांग्लादेश लीजेंड्स की टीम के खिलाफ खेला जाएगा। यह मुकाबला 25 सितंबर को खेला जाएगा। अगर भारत इस मुकाबले में हारती है या जीतती है या बारिश की वजह से यह मुकाबला ड्रॉ होता है, तब भी भारतीय टीम लगभग सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि भारतीय टीम की रन रेट काफी ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट की ताजा खबरों के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।